स्टार्ट। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकी 247। श्रीनगर के लालचौक इलाके में हम हैं। इस वक्त मेरे सामने जो तस्वीर है, ये सीआरपीएफ की महिलाएं हैं जिन्होंने तो हमेशा देश की सेवा में अपने बलिदानों का जो है वो कम नहीं है। लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो आज जो इवेंट होने जा रहा है वुमेन्स सीआरपीएफ वुमेन्स विंग की जो है बाइकर्स रैली, यहाँ से गुजरात में जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो इवेंट पे आ चुके हैं। वो इस बाइक का जो है पूरी तरह से फ्लैग ऑफ करके इन वुमेन्स जो सीआरपीएफ वुमेन्स विंग है उनको जो है गुजरात के लिए फ्लैग ऑफ करेंगे। ये तस्वीरें आप लालचौक श्रीनगर से देख रहे हैं, ये है हमारे देश की वो महिलाएं। गर्व पूरा देश तो कर रहा है इन पे, इन्होंने अपनी जो है अपनी जानों की आहुतियाँ दी है। और देश के जो हमारे सीआरपीएफ विंग है, ये वो महिलाएं हैं, देश इन पर गर्व कर रहा है। आज एक और इतिहास रचने जा रहा है। ये हमारी जो महिला विंग है सीआरपीएफ की, ये जाएंगी आज बाइक रैली निकाल के सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, जो कि श्रीनगर से गुजरात तक जो रैली होगी मनकद होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है मौके पर है, वो इस बाइक रैली का जो है आज फ्लैग ऑफ करेंगे। ये तस्वीरें आपको लाल चौक से दिखा रहे हैं। बिल्कुल स्मार्ट सिटी का ये स्मार्ट शहर है और गंडागर को फिर से सजाया गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं और ये रैली जो है यहाँ से निकलकर गुजरात के लिए जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मौके पर आए हैं, जो कुछ ही देर के बाद इस रैली का जो है पूरी तरह से फ्लैग ऑफ करेंगे। पहली बार यहाँ कश्मीर में ऐसी सीआरपीएफ की एक बाइकर्स रैली होगी जो यहाँ से गुजरात के लिए निकलेगी। तस्वीरें आपको लाल चौक से दिखा रहे हैं। पूरा इंतजाम किया गया है, बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया गया है। यहाँ पे सीआरपीएफ की जो वुमेन्स एक और विंग है, जो बैंड है वो लगा दिया गया है। स्कूली बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं और कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है इस बाइक रैली को पूरी तरह से फ्लैग ऑफ करके यहां से रवाना कर देंगी। तस्वीरें आपको घंटाघर के ऐतिहासिक घंटाघर के लाल चौक के सामने दिखा रही हैं। ये इवेंट कल पूरे दिन इस इवेंट के लिए रिहर्सल्स की जा रही थी और आज इस इवेंट का बाजाबता तौर पर जो है पूरी तरह फ्लैग ऑफ करके गवर्नर साहब इस बाइक को रवाना करेंगे। तस्वीरें लाल चौक से दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के कितने इंतजाम है। सबसे बड़ी बात यह है, पूरा मार्केट खुला है। पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है। वो टाइम गया जब यहाँ पे ऐसे इवेंट्स करने बहुत मुश्किल होते थे, लेकिन आज ये इवेंट भी हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है बिल्कुल घंटाघर के पास उनके जो स्टेज है वहां पे बैठे हैं। यहां से अगर देखेंगे मार्केट पूरी तरह खुला है, किसी पर आने जाने की जो है कोई पाबंदी नहीं है। मार्केट भी खुला है और जो जितनी भी एक्टिविटीज है मार्केट में वो सब चल रही है और पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार सिक्योरिटी के साथ साथ जो है मार्केट जो है पूरी तरह खुला है। ये है सीआरपीएफ की महिला विंग के वो जो महिला कमांडो होते हैं, ये आज बाइक रैली करने जा रहे हैं, जिसका आज फ्लैग ऑफ करके गवर्नर साहब इस बाइक रैली को रवाना करेंगे। मैम नाम बताइए अपना। जी मैं एसआई सुनीता खंडारे। मैम यहाँ से बाइक रैली करने जा रहे हैं, देश की तो खिदमत करते हैं आप, देश के लिए तो आपने हमेशा बलिदान दिया है। आज एक ऐसा नया माहौल नहीं, एक पहली बार कश्मीर में हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे मैम? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ कश्मीर से गुजरात तक जा रहे हैं और एक बहुत अच्छा संदेश देते हुए जा रहे हैं कि नारियां किसी से औरतें कम नहीं है, ना थी ना है और ना हूँ। मैम पहली बार ऐसा हो रहा है, हमने कश्मीर में ऐसे इवेंट तो कभी नहीं हुए। मार्केट खुला है, सिक्योरिटी भी लगी है, एलजी साहब खुद बैठे हैं सामने, दुकानें खुली है, क्या मैसेज है, कैसे देखती इस चीज को? सब बहुत अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, अच्छा लग रहा है। खासकर महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, तो महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? जी महिलाओं के लिए मैसेज देना चाहूंगी कि आप कभी किसी से ना कम थी ना है और ना होंगी। थैंक यू मैम। जोश और जज्बे से भरे ये महिला विंग के जो कमांडोज हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से जोश और जज्बा इनमें है और एक मैसेज आ रहा है कि जो महिला है वो किसी से भी कम नहीं है। एक बार फिर बता दूं आपको, ऐसा इवेंट लालचौक में पहली बार हो रहा है और निसंदी अगर ऐसा कोई इवेंट होता तो ये एक चुनौती मानी जाती थी, लेकिन हालात बदल गए हैं। लेकिन श्रीनगर के इस ऐतिहासिक घंटाघर के पास ये जो इवेंट होने जा रहा है सबसे बड़ा इवेंट है। और यही नहीं, और पूरा मार्केट जो है वो खुला है, मेहमान आए हुए,
स्कूली बच्चे जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये महिला विंग सीआरपीएफ का वो बैंड है जो पूरी प्रिपरेशन करके पूरा दिन कल यहाँ पर रिहर्सल चलता रहा। आज इस ऐतिहासिक इवेंट को बाजाबता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है पूरी तरह फ्लैग ऑफ करके इस बाइक रैली को रवाना करेंगे। तस्वीरें आपको लाल चौक से दिखा रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो मंच पर आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद इस बाइक रैली को जो है फ्लैग ऑफ किया जाएगा। सीआरपीएफ के बड़े ऑफिशियल्स इस समारोह में मौजूद हैं, स्कूली बच्चे भी हैं और पहली बार इस इवेंट का होना साफ जाहिर बात दिखाता है कि कश्मीर के हालात काफ़ी बेहद बदल गए हैं। आपको फिर बता दें, ऐसा बड़ा इवेंट पहली बार श्रीनगर में होने जा रहा है, वो भी किसी जो सिक्योरिटी इदारा है सीआरपीएफ, जो उसकी महिला विंग है। बाइकर्स रैली आज जो है वो बाइक रैली का प्रोग्राम है और ये पहली बार श्रीनगर में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इवेंट को एक तो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इसको इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। कल पूरे दिन इस प्रोग्राम के लिए रिहर्सल चलती रही, लेकिन सामने सबसे बड़ी बात यह है आज पूरा मार्केट खुला है और दुकानदार जो है रोजमर्रा के लिए अपने काम कर रहे हैं और सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठे हैं और किसी पे आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और लेकिन जो मार्केट है वो पूरी तरह खुला है और कोई भी आम आदमी हो उसको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इवेंट पहली बार श्रीनगर में हो रहा है, निसंदेह हम कह सकते हैं कि कश्मीर के हालात बदल रहे हैं और ऐसा पहला इवेंट हो रहा है श्रीनगर में जहां पर मार्केट भी खुला है और सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है और दुकानें भी खुली है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मंच पर आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस रैली को फ्लैग ऑफ करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अलविदा कहेंगे और ये जो रैली है श्रीनगर से लेकर गुजरात तक जाएगी। ये वो बाइक्स है जिस पर हमारी सीआरपीएफ विंग की जो महिलाएं हैं देश की खिदमत करते करते अब ये नया एक इतिहास रचने जा रहे हैं। ये वो बाइक्स है जिन पर महिला सीआरपीएफ महिला की जो विंग है वो जाकर इस रैली में जो पार्टिसिपेट कर रही है, ये वो बाइक्स हैं और ये रैली श्रीनगर से लेकर गुजरात तक जो है फ्लैग ऑफ की जाएगी। मकसद सिर्फ यही है कि एक महिलाओं के लिए एक स्पेशल मैसेज रखा गया है इस बाइक के आयोजन से कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा जी जो कि मंच पर आ चुके हैं इस बाइक रैली को जो है पूरी तरह से फ्लैग ऑफ करेंगे और सीआरपीएफ की जो महिलाएं विंग है वो इन बाइक्स पे निकलकर ये रैली जो है स्टार्ट की जाएगी। रंगारंग प्रोग्राम का भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंतजाम किया गया है, आपको कुछ ही देर बाद वो भी दिखाएंगे। कुछ ही समय बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बाइक रैली का जो है बाजाबता तौर पर फ्लैग ऑफ करके इस बाइक रैली को इनॉग्रेट करके गुजरात के लिए ये यहाँ से निकल जाएंगे। तस्वीरें आपको लाल चौक से दिखा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जो है जो मंच पर मौजूद है, यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम्स है उनको भी जो है यहाँ पे इनाकत किया गया है। पूरा दिन कल जो है इस प्रोग्राम के लिए रिहर्सल की गई, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जी जान से पूरी तरह से कल मेहनत की गई। स्कूली बच्चे यहाँ पे हैं और सीआरपीएफ के बहुत बड़े जो अधिकारी हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सबसे बड़ा इवेंट श्रीनगर में सीआरपीएफ की तरफ से हो रहा है, पहली बार ऐसा इवेंट श्रीनगर में देखने को मिल रहा है और ये बिल्कुल घंटाघर के सामने हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो प्रोग्राम है इनाकत कर दिया गया है।
सीआरपीएफ की महिला कमांड हाउस अपना प्रदर्शन दिखा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, जोश और जज्बे से भरा यह माहौल यहाँ पे। टोपी मत निकाल आपने देखा कि किस तरह से सीआरपीएफ जो महिला कमांड हाउस है अपने प्रदर्शन का उपयोग कर रहे थे उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। और आज ये बड़ा इवेंट श्रीनगर में पहली बार हो रहा है जिसमें सीआरपीएफ महिला कमांडो जो है बाइकर अपनी बाइक्स पे निकल के एक बहुत बड़ी रैली का प्रोग्राम जो है इनका हो रहा है और ये पहली बार श्रीनगर में हो रहा है। और पूरी तरह से खूबसूरत ये समा बनाया गया है स्मार्ट सिटी श्रीनगर को एक बार फिर से खूबसूरत बनाकर। पहला इवेंट श्रीनगर में हो रहा है जिसमें सुरक्षा के साथ साथ मार्केट भी खुला है और सबसे बड़ा इवेंट आज सीआरपीएफ की तरफ से यहां पे हो रहा है। और मैसेज जो है इस प्रोग्राम का यही है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, ये देश की वो बेटी है जो अपने जो अपने जज्बात है, जो अपने जो उनके हुनर है देशभक्ति के लिए, देश के लिए जो इनका जो प्रतिभा है वो अलग में रख के आज एक और नया इतिहास रचने जा रही है। कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस रैली का पूरी बाज़ाब्ता तौर पर जो है फ्लैग ऑफ करके इस बाइक रैली को रवाना करेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के साथ बने रहिए आप JK247 के साथ और देखते रहिए JK247।